सुप्रभात बच्चों, हिंदी कक्षा में तुम सबका स्वागत है। बच्चों, आपने कौन कौन से मेले देखे हैं? क्या मेला देखना आप सबको पसंद है? हाँ, सबको मेला अच्छा लगता है। हमारे देश में मेलों का प्रचलन रहा है। मेले अनेक प्रकार के होते हैं, इनसे हमारी ज़रूरतें पूरी होती है, साथ ही मनोरंजन भी होता है। तो अब हम जो पाठ पढ़ेंगे, यह एक पत्र है। इस पत्र में दिल्ली के विषय पुस्तक मेले के विषय में बताया गया है। तो पत्र लिखने से पहले हम क्या करते हैं, ऊपर एड्रेस लिखते हैं। यहाँ पर भी लिखा हुआ है, देखो 14/2 दिलशा गार्डन दिल्ली 110095 11 जनवरी 2000। यहाँ पर 20 के बाद दो एक्स लिखा है, तुम लोग 2022 लिखना है यहाँ पर, क्योंकि अब सन कौन सा है, 2022। तो प्रिय प्रखर, कैसे हो? इन दिनों प्रगति मैदान में विश्व पुस्तक मेला लगा हुआ है। मैं परसों अपने दादाजी के साथ मेले में गया था। किसको पत्र लिखा गया है यहाँ पर? प्रखर को। इसमें देश विदेश के प्रकाशकों की पुस्तकें होती है। तो ये मेला जिस विश्व जो हम पढ़ रहे हैं, ये मेला किस बारे में है? ये पुस्तक मेला है। हम लोग मेट्रो से प्रगति मैदान पहुंचे। वहां मेले में जाने वालों की लंबी कतार लगी थी। हम टिकट खरीदकर अंदर पहुंचे। कुछ स्कूलों के विद्यार्थी भी वहां आए थे। वहां बड़े बड़े हॉल थे जिनमें स्टॉलों पर पुस्तकें सजी हुई थी। इतनी पुस्तकें देखकर मेरी तो आंखें फटी रह गई। वहाँ इतिहास, भूगोल, ज्ञान विज्ञान, साहित्य, यात्रा, धर्म आदि विषयों की पुस्तकें थी। हिंदी, अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषाओं की पुस्तकें, पत्र पत्रिकाएं भी थी। इस मेले में पुस्तकों के अलावा पढ़ाई लिखाई से जुड़ी सभी सामग्रियां भी मिलती है। तरह तरह के खिलौने, पजल, विज्ञान, गणित जैसे विषयों से जुड़े खिलौने खूब बिकते हैं। दादाजी ने मेरी बड़ी बहन के लिए पंचतंत्र और अन्य कहानियों की पुस्तकें खरीदी। मैंने अपने लिए हिंदी का सचित्र शब्दकोश, ओरिगेमी, कविताओं, कहानियों और सामान्य ज्ञान की कुछ पुस्तकें खरीदी। कविताओं की एक पुस्तक मुझे बहुत अच्छी लगी। उसकी कुछ कविताएं तो मुझे याद भी हो गई है। दादाजी ने मुझे पजल दिलाए क्योंकि इनसे हमारा मानसिक विकास होता है। मैंने तुम्हारे लिए भी कुछ ऐसे ही खिलौने और पुस्तकें खरीदी है। पुस्तक विक्रेताओं ने खरीदारों को लुभाने के लिए कुछ योजनाएं बना रखी थी, जैसे पुस्तकों के साथ नए वर्ष का कैलेंडर, डायरी, पेन। पहले 10 खरीदारों को 100 रुपये मूल्य की पुस्तकें मुफ्त देना। मुझे भी उपहार में कुछ चीज़ें मिली। मेले में हमने खाना भी खाया। पुस्तक मेला देखने के बाद उन लोगों ने मेले में खाना भी खाए। खाना बहुत स्वादिष्ट था। मैंने आइसक्रीम भी खाई। पुस्तक मेले में पुस्तकों की अनोखी दुनिया देखकर मुझे अच्छा लगा। अगले वर्ष तुम भी यह मेला देखने ज़रूर आना। चाचा जी और चाची जी को मेरी ओर से प्रणाम कहना, तुम्हारा मित्र अंकित। मतलब ये पत्र अंकित ने किसको लिखा? अंकित ने प्रखर को लिखा था पुस्तक मेले के बारे में। इस पाठ में
पत्र के माध्यम से विश्व पुस्तक मेले की जानकारी दी गई है। इस मेले में देश विदेश के प्रकाशकों की पुस्तकें होती है। पुस्तक मेले में इस मेले में टिकट खरीद कर जाते हैं। बड़े बड़े हॉलों में इतिहास, भूगोल, ज्ञान विज्ञान, साहित्य, धर्म आदि विषयों की पुस्तकें विविध भाषाओं में मिलती है। इसमें पुस्तकों के अलावा पढ़ाई लिखाई से जुड़ी सामग्रियां, खिलौने भी मिलते हैं। पुस्तक विक्रेता खरीदारों को लुभाने के लिए आकर्षक योजनाएं भी बनाते हैं। तो बच्चों, इस पाठ को अच्छे से पढ़ना और इसमें जो शब्द अर्थ है उनको देखकर सुंदर करके लिखना। तो मैं एक बार शब्द अर्थ पढ़ के देती हूँ। पुस्तक, किताब, कतार, पंक्ति, विद्यार्थी, छात्र, विक्रेता, बेचने वाला, उपहार, तोहफा, मानसिक, बुद्धि का सचित्र, चित्र सहित, पजल, पहेली। तो इन सब शब्द अर्थ को अपने कॉपी में सुंदर करके लिखना और इस पाठ को अच्छे से पढ़ना। धन्यवाद।